जय हिंद दोस्तों। ओआरओपी पर एरिया टेबल के साथ साथ मैंने एरिया टेबल का ग्राफ बनाया था और उसमें कई लोगों ने उस वीडियो को देखा और कई लोगों ने इसको सही बताया है। लेकिन एक यूट्यूबर ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि ये एरिया टेबल गलत है। मैं उसका आज स्पष्टीकरण देता हूं कैसे वो टेबल बनाई गई और क्यों वो सही है। आपको एकदम सटीक और सही विश्लेषण इसमें मिलेगा कैसे वो सही है टेबल। ये मैं पूरा इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं बता दूं, जो यूट्यूबर कहते हैं कि वो वीडियो, वो टेबल जो बनी है वो गलत बनी है, उनको मैं बता देता हूँ कि वो टेबल का तो मैं स्पष्टीकरण दे रहा हूँ कैसे वो टेबल और कितना एरियर बना है उसका स्पष्टीकरण दे रहा हूँ। लेकिन उन्होंने एक टेबल ऐसी दिखाई जो कि वो कह रहा है कि 8,000 या 9,000 सिपाही से लेके हवलदार की पेंशन बनेगी। उनको ये तक नहीं पता है कि पेंशन सिपाही और हवलदार की मिनिमम कितनी है, उनको ये तक नहीं पता है। और बता दें कि अगर उनको ये तक नहीं पता, इसका मतलब ये तो हो कंफर्म है कि वो किसी भी तरह से सैनिक है नहीं और सिविलियन है। वो सिविल की जानकारी दे रहे हैं, कोई एक आध उनको कोई टेबल टाइप की मिल गई है तो वो उसी पर पूरी वीडियो बना देते हैं। लेकिन मैं बताऊंगा कि, और वो उनकी एक चीज और बता देता हूं कि वो ज्यादातर वीडियो मेरे वीडियो को देखकर या तो कॉपी की हुई है, नहीं तो उसी को देखकर और अपना कुछ चेंजमेंट करके बना देते हैं। लेकिन वो वीडियो बिल्कुल गलत बना रहे हैं और एक भी उसमें सच्चाई नहीं है। दूसरी बात है कि वो हर अपने वीडियो में बोल देते हैं कि ये वीडियो एजुकेशनल वीडियो है। इसका मतलब ये हो गया कि एजुकेशन के बारे में इसमें मैं बता रहा हूं, अगर इसमें कोई गलती है तो उसमें आप कंप्लेन ना करें। मेरी कंप्लेन भी करोगे तो वो कोई कंप्लेन मानी नहीं जाएगी। वो पहले ही बोल देते हैं कि ये एजुकेशनल वीडियो है, इसका मतलब सब वीडियो में गलत है, तभी वो बोलते हैं एजुकेशनल वीडियो है। क्योंकि YouTube की टर्म्स और कंडीशन ये है कि अगर एजुकेशनल वीडियो कह दी है तो इसके बाद आपने अगर उसमें गलत भी जानकारी दी है तब भी आपका वो मान नहीं है, आप गलत नहीं माने जाओगे। तो वो हर वीडियो में बोलते हैं कि ये एजुकेशनल वीडियो है। अभी मैं बताता हूं कि इसमें क्या है बिल्कुल सच्चाई। सिपाही रैंक से लेके पूरी मैं बताऊंगा, एक एक मेरी पहले टेबल दिखा देता हूं, इसके बाद मैं स्पष्टीकरण देता हूं। टेबल आपने ये देखी है कि ये मैंने एक टेबल बनाई है जिसमें कि पूरी जानकारी इसमें दी हुई है। एक तरफ से मैं दे देता हूं, इसमें ये टेबल है जिसमें कि आप देख सकते हैं एक एक करके। मैं पहला एक बता देता हूँ, सिपाही 17 साल की, कैसे ये 17,129 रुपए था और जो मिनिमम पेंशन बनेगी 21,325 बनेगी। इसके बाद 4,196 रुपए उनका डिफरेंस आएगा पेंशन का, यानी कि जो एरियर मिलेगा 1,76,000 रुपए मिलेगा। ये उन्होंने बोला कि ये गलत बनाया। अभी मैं इसका स्पष्टीकरण देता हूँ कैसे ये सही है। सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि ये 2019 में जो रिटायर हुए हैं उनका पीपीओ मैं एक ये लेके आया हूँ। ये सिपाही रैंक के हैं, इसमें हो सकता है आपको सही दिखता ना हो लेकिन मैं बता देता हूँ कि ये सिपाही रैंक के हैं। ये रैंक लिखी है सिपाही ACP 2। इसके बाद 17 साल सर्विस की है और ये रिटायर हुए हैं 31/1/2019 को, ये इसमें दिया हुआ है। इसके बाद इनकी मिनिमम कितनी पेमेंट है, पेंशन कितनी है, 21,325 रुपये ये मिनिमम है। तो जो 2019 में रिटायर हुए हैं उनकी 21,325 रुपए है, ये मिनिमम पेंशन होनी चाहिए सिपाही रैंक की जो 17 साल में रिटायर हुए हैं। अभी कैलकुलेशन भी बता देते हैं, कैलकुलेशन कैसे हुआ है और ये अथेंटिक कैलकुलेशन है। ये कैलकुलेशन आप देख सकते हैं इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट की तरफ से है, जो कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के को दिया था कि इस तरह से कैलकुलेशन होना चाहिए। ये लेटर भी उन्होंने दिया है, रेफरेंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ORP केस डेट 16 मार्च 2022। अब ये कंफर्म हो जाता है कि ये ORP के सिद्धांत पर ही दिया है और सुप्रीम कोर्ट का लेटर भी इसमें दिया हुआ है, यानी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी दिया हुआ है कि इस आधार पर पेंशन बननी चाहिए। आप कैलकुलेशन देख लेते हैं कि मैंने बताया था कि वो जो सिपाही का मैंने पीपीओ दिखाया 2002 में भर्ती हुए हैं, रिटायर हुए हैं 31/1/2019 में। इसके बाद 17 साल 23 दिन उनकी टोटल सर्विस हुई है और उनके पीपीओ के आधार पर उनकी पेंशन बनी है 21,325, यानी कि जो 2019 में रिटायर हुए हैं उनकी पेंशन 21,325 है। ये पेंशन सभी की हो जाएगी, यही मैंने उस
टेबल में दिया हुआ है, यानी कि अगर ओ आर ओ पी 2016 के अनुसार ओ आर ओ पी के हिसाब से 2.57 फिटमेंट फैक्टर लगता है तो 17,129 रुपए बन रही है, लेकिन होना कितना चाहिए 21,325 रुपए होना चाहिए, यानी कि ये जो जो डिफरेंस आ रहा है 4,196 रुपए डिफरेंस आ रहा है, यही आपकी पर मंथ पेंशन बढ़ेगी और एरियर भी इसी के अनुसार मिलेगा, प्लस इसमें डीए जुड़ेगा। अब डीए का भी कैलकुलेशन देख लो, 12 महीने का डीए जोड़ लो, यानी कि हर महीने में इतनी बढ़ोतरी, 12 महीने का डीए अगर जोड़ लोगे तो 50,352 रुपए होगा। ये 50,352 रुपए हो रहा है 12 महीने का, यानी कि आप 2022 तक आपको एरियर मिलेगा अप टू 30 जून 2022 तक, तो आपका एरियर बन रहा है 50,000 × 3 यानी कि 1,51,056 रुपए, प्लस डीए इसमें कैलकुलेशन है, डीए भी जुड़ा है, यानी 1,50,000 प्लस डीए। तो अब इसके हिसाब से आप ये देख सकते हो कि मैंने जो बनाया हुआ है, यानी कि 4,196 इसका बढ़ेगी पेंशन, प्लस डीए एरियर के हिसाब से आप देख सकते हैं इसमें पेंशन जो बनी हुई है 1,96,000, इसमें डीए भी जोड़ दिया है मैंने, पहले इसमें दे दिया है 1,04,096 प्लस डीए, तो टोटल हो गया 1,76,232 रुपए उनको एरियर मिलेगा, इतना कंफर्म है। तो ये जो मैंने बनाया है ये ऐसे ही सभी का, नायक का जो 16 साल सर्विस की है उनका पीपीओ में जो पेंशन बन रही थी 20,175 रुपए बन रही थी, अभी वो ये बोलते हैं कि सिपाही की 16 साल में 17 साल में 21,000 बन रही, लेकिन इनकी बहुत कम हो जा रही नायक की, जबकि ज्यादा बननी चाहिए। उनको ये नहीं पता है कि 16 साल नायक को एसीपी और सिपाही को एसीपी मिलता है तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है, एसीपी सिपाही अगर 17 साल सर्विस कर लेता है तो उसको एसीपी लागू हो जाता है, अगर नायक 16 साल सर्विस करता है तो नायक को एसीपी नहीं मिल पाता, 16 प्लस होनी चाहिए सर्विस, प्लस 3 महीने और एक्स्ट्रा होनी चाहिए तभी एसीपी मिलता है। तो 16 साल सर्विस किया हुआ नायक की कम इसलिए बन रही क्योंकि सिपाही को तो एसीपी भी मिल रहा है, एसीपी के आधार पर उसकी बढ़ के मिलती है, और जो पूरी सर्विस कलर सर्विस करता है उसका भी उनको बेनिफिट मिलता है। तो ये जितने भी मैंने बनाए हुए हैं ये पीपीओ के आधार पर बने हुए हैं, सारे पीपीओ के आधार पर हैं जो 2019 में रिटायर हुए हैं, और ये जो दिए हुए हैं 2016 के हिसाब से जो उनका फिटमेंट फैक्टर लगने के बाद जो बना है वो 2016 के बाद बना है। तो टोटल ये एरिया रैंक वाइज इसमें कैलकुलेशन कर दिया है, सूबेदार मेजर और हॉनरी लेफ्टिनेंट हॉनरी कैप्टन सभी का दिया हुआ है, आप इसमें देख सकते हैं टेबल में एक एक अपना रैंक वाइज देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि आगे भी ऐसे